Hello, good morning everyone. Let me know if I'm audible. Just say something in the chat. You can see the board, but I can't see me, in fact. So just tell me if I'm audible. Let me share the link with everyone. Aaj kuch log nahi hai. Maximum log nahi hai. So I have to do it all alone. Good morning. Can take some time. Yes, we'll do that. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हिच वी आर गोइंग टू डू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके, इसमें से दो पैसेज लिए हैं मैंने, सारे टॉपिक्स को, सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए दो पैसेज इसमें से लिए हुए. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर द लिंक. Just a moment. Good morning, good morning, good morning. Okay. Good morning. ओके, नहीं नहीं उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है. भारत बंद के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उसका क्या होने वाला है, बट वी आर वेरी पॉजिटिव. उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, ठीक है. चलिए, सो वी कैन स्टार्ट नाउ. हम आज करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इन द मीन टाइम आप अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स फॉर दिस लाइव सेशन. यू कैन इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर दिस लाइव सेशन. ओके, चलिए देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से समझना, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब अगर कभी आप आओगे कोचिंग में तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे इतने सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं. टॉपिक मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, मतलब बहुत से स्कूल्स में पढ़ाया हुआ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग सारे के सारे एग्जाम में कन्वर्ट कवर होता है, वी ऑल्सो कॉल इट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. हम इसको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी कहते हैं. We also call it comprehension passes. क्या होता है कि आपको जो narration, जो writer है उसका point of view समझना होता है कि writer ने कितने अच्छे से अपने आपने कितने अच्छे से writer के point of view को आपने समझा हुआ है, यही कुल का कुल आपका comprehension passes होता है. तो एक चीज बिल्कुल समझने वाली बात है कि अपना ज्ञान ना लगाएं. बिल्कुल एकदम विशुद्ध हिंदी में बता रहा हूं कि जब भी कोई passes आप solve करते हो अपना ज्ञान बिल्कुल भी ना लगाएं. जो भी कुछ आपको सोचना है वो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचना है. अगर पैसेज ये कहता है कि सूरज पश्चिम से उगता है तो एक हाइपोथेटिकल केस है, उसने मान लिया पश्चिम से उगता है, तो नहीं आप उसको जस्टिफिकेशन आपको नहीं देना हुआ है कि आपको सूरज पूरब से उगता है, नहीं. तो राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कैट के एग्जाम में अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा डोमिनेंस है इसका, इतना ज्यादा डोमिनेंस है इसका कि पूछो मत. और उन पेपर्स की खास बात क्या होती है कि पेपर्स में
क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे हैं कि आपको पढ़ना में ही टाइम लग जाता है, यानी पेपर का आपको रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेम केस जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बहुत तगड़ी रीडिंग स्पीड नहीं है आपकी तो आप बहुत अच्छा इसमें नहीं कर सकते हो। एक मिनट, ओके, गगन अरोड़ा, यस वी कैन सी दैट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर विद दैट, बट वी आर स्टडीइंग विद दैट, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक, और ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर एक सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा थोड़ा सा कि ये इस टॉपिक में अगर आपने जरा सा भी इधर उधर की बातें की और टीचर का फ्लो गड़बड़ हुआ, अगर रिदम गड़बड़ हुआ तो कहानी खराब। सो मैं चैट अभी नहीं देखूंगा, अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप चैट पे ना पूछें, मैं आप बाद में आपका चैट चेक कर लूंगा, लेकिन ध्यान से सिर्फ मेरी बात सुनना है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान कर लो बस, लेकिन थोड़ा चैट मिनिमाइज रखो। सो मैंने क्या कहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका नॉलेज चेक करता है, हर एग्जाम में आएगा, और बाहर का नॉलेज अप्लाई ना करें। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, मैंने पहले सारी चीजें इस पैसेज में गिवन है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि राहुल द्रविड़ इज आई लाइक राहुल द्रविड़ मोर देन तेंदुलकर, मतलब हो जाता है कि अगर स्टेटमेंट ये है कि आई लाइक द्रविड़ मोर देन सचिन, कि मैं द्रविड़ को सचिन से ज्यादा पसंद करता हूं, तो क्या मैंने कहीं ये कहा हुआ है, स्टेटमेंट क्या दे देगा वो कि डज द राइटर हेट सचिन। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि जब कोई चीज सेंटेंस में यानी पैसेज में अगर गिवन नहीं है तो आप उसको नहीं एज्यूम करना है, बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है। सो आई का कोई रिलेशन सचिन से नहीं है, वो नफरत नहीं करता, बस वो इतना कह रहा है कि कम पसंद करता है सचिन को द्रविड़ से। इसके अलावा कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिनके ऊपर बहुत फोकस करना होता है, कुछ चीजों को आप एकदम फिल्टर कर दो। अगर कोई कोटेशन है, कोई स्टेटमेंट है, किसी को किसी चीज को प्रूव करने के लिए कोई एग्जाम्पल दिया गया हुआ, तो इन सबको कंप्लीटली आप एक्सक्लूड कर सकते हो। और पहले के टाइम पे हुआ क्या करता था, जब मतलब पेपर पेन पे एग्जाम हुआ करता था कि एक पैसेज होता था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। आज के डेट में क्या होगा, हर क्वेश्चन के ऊपर पैसेज होता है, हर क्वेश्चन के ऊपर पैसेज होता है। तो पहले ये कहा जाता था कि हम अपसाइड डाउन मेथड लगाएं, यदि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें उसके बाद पैसेज को पढ़ें। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते, हर क्वेश्चन के ऊपर पैसेज, हर क्वेश्चन के ऊपर पैसेज, सेम पैसेज अगर छह क्वेश्चन जाएगा तो छह क्वेश्चन के ऊपर एक ही पैसेज गिवन होगा, तो वहां क्या अप्रोच लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जितना मैंने बताया हुआ है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी टॉपिक्स को एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, कितना नॉलेज आपको रखना है, कितना नॉलेज आपको छोड़ना है, ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, और मेन मेन टॉपिक्स तो हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर ही लिया हुआ है, ठीक है। सो ध्यान से देख लो, फिर स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट, अभी फिलहाल मैं बीच बीच में आपके डाउट लूंगा, अगर फिलहाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से आपको कोई डाउट है तो पहले आप क्लियर कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई कुछ लोग पूछते हैं सर बीएड में करें या ना करें, अरे मैं क्या बताऊं आप करो कि ना करो, भाई मैंने पेपर थोड़ी बनाया हुआ है, आप कर लो, एग्जाम में आया हुआ है कर लो, करने में कोई बुराई थोड़ी है, जितना ज्यादा कर लोगे उतना बढ़िया, आज नहीं किसी और एग्जाम में हेल्प करेगा। लेकिन सर मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, अभी भी फोन आते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस चाहिए बीएड के लिए, जैट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस चाहिए, परसों पेपर है, दो दिन पहले मैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दूंगा, क्या दे सकता हूं मैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस। खैर आपका अगर कोई कुछ पूछना है तो आप मुझे भेज दो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। चलिए ठीक है, मैं आई एम मूविंग अहेड। देखो क्या है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ध्यान से एक चीज और समझ लेना, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंड, एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंड, ध्यान से देख लेना, ये जो वर्ड आता है कॉम्प्रिहेंड, जस्ट अ मोमेंट, कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड को हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंड। ध्यान से कर लेना क्या कह रहा हूं मैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंड, यानी किसी चीज को आप कितना समझ सकते हो उसको हम कॉम्प्रिहेंड बोलते हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ एडुकेटर या एज अ टीचर आप कह लो, तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें हुआ करती थी, एक कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कि मैं कितना आपको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूं,
कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी और दूसरा इंटेलिजिबिलिटी, इन दो के बेसिस पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। सो कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द गिवन टेक्स्ट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। उस गिवन पैसेज को कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हो, यही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूरा होता है। इसमें हम रूल्स और रेगुलेशंस सारे के सारे करने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं मैं इसमें करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ पहले पैसेज करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, 9th 10th 11th 12th, आजकल थर्ड से ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि कितना आसानी से आप गिवन पैसेज को समझ पाते हो और अच्छे से कर पाते हो। ये आपकी स्टेट, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसको शो करता है। इसीलिए हर एग्जाम में उसके हिसाब से आप सोचो कि अगर इसमें इतना दिमाग लगता है तो बनाने वाला कितना दिमाग लगाता होगा। ये पैसेज आसानी से मिलते हैं नहीं, तो उस पैसेज को ढूंढना, उस पैसेज से क्वेश्चंस क्रिएट करना, उस तरह का पैसेज देना कितना मुश्किल होगा। सोचो कि बनाने वाले के पास कितना दिमाग होगा। तो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इन्वाइट कर सकते हो तो लोगों को इन्वाइट कर देना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज पिवोटल इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश। लास्ट ईयर का जैट का क्वेश्चन पेपर उठा लिया मैंने, इसमें एक आसान पैसेज दिया हुआ है, एक जैट का पेपर लास्ट ईयर का मैंने उठा लिया, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सॉल्विंग देखो, हमारे वहां एक मैडम है जो ये कहती है कि लाइफ में ना हमारे पास क्या आता है, पहले सॉल्यूशन आता है फिर प्रॉब्लम आता है। जैसे पहले क्या आएगा, पहले आपके पास पढ़ने के लिए मौका था एक साल, आप बीएलएड का पेपर दे रहे हो, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो पहले क्या आया, पहले सॉल्यूशन आया कि बेटा पहले पढ़ लो, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। यानी आपके लाइफ में पहले सॉल्यूशन आएगा, प्रॉब्लम बाद में आएगी, ठीक। पहले पूरा सॉल्यूशन दे दिया कि बेटा पढ़ ले, बकवास मत कर, पढ़ ले, टाइम खराब मत कर, लाइफ में भी टाइम खराब मत कर, चैट में बकवास मत कर, पढ़ ले। लेकिन आप क्या करोगे, सिर्फ पहले के टाइम में जैसे आपने वहां टाइम खराब किया हो, यहां भी टाइम खराब कर रहा। सो सबसे जरूरी चीज क्या है कि सबसे पहले क्या आता है आपके पास, सॉल्यूशन आता है, प्रॉब्लम बाद में आता है। फिर एग्जाम में भी ऐसे आता है, पहले आप चैप्टर पढ़ते हो पूरा का पूरा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, क्या होगा, पहले पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो पहले सॉल्यूशन आ गया, बाद में आपका क्वेश्चन आएगा। सेम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी यही होता है कि भाई पहले आपका सॉल्यूशन आता है, क्वेश्चन बाद में आता है। सो उस टॉपिक को, उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से आप समझते हो, उसके बाद आप प्रॉब्लम पर जाते हो, ठीक है। अब आप करते क्या हो, कॉम्प्रिहेंशन हम क्या करते हैं, बुक में चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर बार बार पेज को पलटेंगे, आंसर ढूंढेंगे। अगर हमने उसको आसानी से अच्छे से पढ़ लिया होता चैप्टर्स को, तो प्रॉब्लम ना हुई होती, यही प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर। सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन इज लाइक रीडिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश और वॉट एवर, रीडिंग कंप्लीट अ न्यू चैप्टर एंड देन doing comprehension check again and again to the chapter. यानी बार बार आपने question पढ़ा, हमारे पास आपने English का chapter पढ़ लिया, कोई एक chapter पढ़ लिया, maths पढ़ लिया, geology पढ़ ली, botany पढ़ ली, history, geography, pol science, sociology, जो भी पढ़ लिया, पहले chapter, पहले solution आया, solution की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान कहाँ गया, बाद में गया problem की तरफ, difficult है। यही चीज यहाँ भी होने वाली है, जब आपको opportunity दी गई है तो आपने उसको crack नहीं किया, उसको grab नहीं किया, और बाद में आप पछताओगे, मेरा हुआ नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं। तो जो लोग कर लेंगे उनके लिए अच्छा हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। चलिए Moving ahead, next. Reading comprehension is the ability to, क्या क्या कहता है ये? आप किस ability है, किस बात की? ध्यान से इस text को पढ़ना. Ability to read, सबसे पहले उस text को अच्छे से पढ़ पाते हो आप. Read the text, process it and understand its meaning. यानी आपने क्या किया, पहले read किया, फिर उसको प्रोसेस किया आपने दिमाग में, जैसे असिमिलेशन होता है, फूड आप खाते हो, फूड का फिर असिमिलेशन होता है और उसके अपने हिसाब से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको भेज दिया जाता है, और जो कचरा होगा वो फिर वेस्ट मटेरियल की तरह से निकल जाता है। सो आपको क्या करना है, यहाँ भी वही है जो असिमिलेशन है या विनोइंग का प्रोसेस है, कि आपने अगर कोई लोग गाँव गए होंगे तो गाँव में देखा होगा कि जब जो किसान है या देखा होगा कि क्या होता है कि जब हवा चलती है, जैसे हमारे वहाँ पुरवा पछुआ कहते हैं, सो ईस्टर्न विंड हो गया, वेस्टर्न विंड होता है, तो गेहूं के खेत में साथ खासकर ऐसा होता है कि एक ऐसा एक बना सा होता है बर्तन सा, उसका बर्तन होता है बांस का, बैम्बू का होता है बर्तन सा, मतलब एक उसको हम कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो उसमें क्या करते हैं, गेहूं डालते हैं, उसकी गेहूं की बालियां होती हैं, उसको ऐसे हवा की तरह से करते हैं, जो भारी चीजें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, जो हल्की चीजें हवा के साथ दूर हो जाती हैं, उसको बोलते हैं विनोइंग। यहाँ आपको क्या करना है, विनोइंग द पैसेज, जो आपके मतलब की चीज है वो रख लो, बाकी जो चीज आपके लिए वो तो कूड़ा ही हुई ना, उसको फेंक दो। सो असिमिलेशन, फूड असिमिलेशन का प्रोसेस ये है कि जो यूजफुल चीज है आपके लिए, विटामिंस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कैल्शियम्स हो गया, बाकी चीजें हो गई, वो बॉडी पार्ट्स में चला गया, जो कचरा है वो आपका वेस्ट मटेरियल बनकर बाहर निकल गया। सेम चीज, ठीक है, सेम चीज यहां भी आपने उसको इस्तेमाल किया। तो क्या करते हो आप,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड द टेक्स्ट, प्रोसेस इट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. क्या क्या प्रोसेस है हमारे पास? चार प्रोसेस होते हैं जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की. फर्स्ट इज रीडिंग, सेकेंड इज प्रोसेसिंग इन योर माइंड, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग, एंड फोर्थ इज मीनिंग. आपने समझ लिया, काम आसान हो गया. ठीक है, कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? चलिए, वेरी गुड, मूविंग अहेड. क्या क्या हमें ढूंढना होता है जब हम आपको कुछ लोगों को पता होगा, एक हम बात करते हैं, एक होता है बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है कि हमने एक कोई चीज देखी, एक ऊपर ऊपर से देख लिया, तो हमें पता चल गया कि यार मेन मेन चीज यही है. यानी अगर हम बात करेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, अब मैंने बात की जैसे कोई बात की विजडम की बात की या इंटेलेक्चुअल लेवल की बात की, सो उसमें एक बड़ा लंबा सारा पैसेज दिया, कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ उसको मैंने कोई स्टेटमेंट दी, मैंने स्टेटमेंट दी. अब मैं रैंडम स्टेटमेंट देके निकल जाऊं, भाई मैं हूं, बस रैंडम स्टेटमेंट देके निकल गया. मैं कहूं मैं आई एम द बेस्ट, मैंने भूल के निकल गया, लोग मान लेंगे? नहीं. यू हैव टू सब्सटेंशिएट दैट, यू हैव टू सब्सटेंशिएट दैट विद द एग्जांपल, विद द फैक्ट्स. तो मैंने क्या किया, ठीक है, उसका कुछ फैक्ट्स दिया, कुछ एग्जांपल्स दिए, तो आपको लगा हाँ ठीक है, he is making a point, he is making a genuine point. So, सबसे पहले जो एक हम क्या करते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं एक पैसेज का, कि कितना मुझे उसका समझ में आया है, कितना अच्छे से समझाया गया हुआ है. बर्ड्स आई व्यू क्या है उसका, उसको क्रीमरी बोलते हैं, कि मेन चीज क्या होगा उसका, मलाई, जैसे दूध की मेन चीज मलाई निकाल लेना, वैसे उसका सारा जीस्ट उसका आप निकाल लेते हो. ठीक है, सो फॉर दिस आप क्या करोगे, मेन आइडिया निकालोगे, सेंट्रल थीम निकालोगे पैसेज का, एसेंशियल मैसेज ढूंढोगे कि एक्चुअली भाई कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहे हो. जैसे थ्री इडियट में कहते हैं, भाई कहना क्या चाह रहे हो. So, बस essential message क्या है, and thought of the author, यानी author को central में रखना है आपको, कि author उस passage में क्या कहना चाह रहा है, that is the highest point, उसी को समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है, यहां तक कोई topic, कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है आपको? Yes, सिर्फ राइटर राइटर का ही पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा है. अगर राइटर ये कह रहा है, जस्ट अ मोमेंट, अगर राइटर ये कह रहा है कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है, तो भी आप उसकी बात मान लोगे कि हाँ राइटर कह रहा है तो ठीक ही होगा. सो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को ही आपको सही मानना है, बाकी सारी चीजों को आपको गलत मानना है. क्लियर? यस, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स. बीएड का पेपर इजी आएगा या टफ आएगा? पेपर मैंने ही बनाया हुआ है और बहुत इजी पेपर बनाया, बड़े आराम से आप लोग दोगे, और बहुत बहुत बढ़िया पेपर बनाया मैंने, इतना इजी बनाया हुआ है कि आप सब सॉल्व कर लोगे. ठीक है, इजी आएगा, डोंट वरी. चलिए, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको पता है कि आपका पेपर 2 आवर यानी 120 मिनट्स का आपका पेपर है, और 6 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं. ठीक है, सो आपका पेपर कितने का है, पूरा का पूरा 120 मिनट्स का आपका पेपर है, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चंस है आपके पास. यू हैव द आइडिया कि 100 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स आपके पास है. ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 120 मिनट्स है. सो वन क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा, अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिनट्स चाहिए होगा. तो आपके पास अगर 5 क्वेश्चंस हैं, तो 6 to 8 मिनट्स में दे रहा हूं, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है. अगर आपने एक बार पैसेज को पढ़ लिया, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व है. एलआर में सबसे ज्यादा फायदा एलआर में क्यों होता है, एक कॉन्सेप्ट गिवन होगा कि 6 लोग बैठे हुए हैं और सर्कुलर लीनियर पोजिशन है, सर्कुलर पोजिशन है, आपने वो समझ लिया, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए. ठीक है, सो ठीक है, हाँ भेज दूंगा, चिंता मत करो, पेपर एकदम तैयार मेरे पास है, मैंने ही बनाया, भेज दूंगा आपको. डिफिकल्टी लेवल एकदम इजी रखी हुई है, बस क्लासेस सारी अटेंड कर लेना. सो 5 क्वेश्चंस के लिए 6 to 8 मिनट्स हो जाएगा. तो अगर 10 क्वेश्चंस होंगे, तो आप क्या कर लोगे, आपको पहले आइडेंटिफाई कर लोगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जिस एग्जाम में जाते हो, वहां टाइम का आइडिया आपको नहीं रहता कि कितना होगा, लेकिन फिर भी आपको टेंटेटिवली ये दिमाग लगाना होगा कि हर सेक्शन को मैं कितना टाइम डिवाइड करूंगा. तो फॉर लो 10 क्वेश्चन हो गया, तो 12 to 15 मिनट्स से दो. सबसे पहली चीज हमने क्या बात की,
पिछले अगर पे चले जाएं कि आपको मेन आइडिया, सेंट्रल थीम क्लियर हो, एसेंशियल मैसेज क्लियर हो, जीस्ट क्लियर हो, थॉट ऑफ द ऑथर क्लियर हो, और क्या पता होना चाहिए कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 120 मिनट होगा, 1 क्वेश्चन होगा तो 1.2 मिनट होगा, 5 क्वेश्चन के लिए 6 टू 8 मिनट होगा और 10 क्वेश्चन के लिए 12 टू 15 मिनट होगा। तो 5 क्वेश्चन ही होगा ना भाई, सो आप 5 से 10 मिनट लगा लो कि 5 से 10 मिनट आपको देना है, दो बार पैसेज पढ़ लो, आपका काम आसान। ठीक है, चलिए क्लियर। कोई किसी को डाउट हो तो पूछो, प्लीज इनवाइट करते रहो लोगों को और ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना। डोंट ब्रिंग इन आउटसाइड नॉलेज, मैं बार बार कह रहा हूं कि बाहर की जानकारी नहीं लेनी है। करिश्मा ने पूछा मुझसे कि जो कॉन्टेक्स्ट गिवन, जो राइटर ने जो कंटेंट गिवन किया हुआ है, उस कंटेंट के बाहर आपको एक भी चीज नहीं सोचनी। अगर वो कहता है कि सूरज पूरब में नहीं उगता, फॉर से, तो क्या उसने ये बताया हुआ है कि सूरज नहीं पश्चिम में उगता है, नॉर्थ में उगता है या साउथ में उगता है? नहीं, आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पता है कि सूरज पूरब से नहीं उगता। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सूरज पूरब से उगता है, सूरज पश्चिम से उगता है, सूरज उत्तर से नहीं उगता, सूरज नॉर्थ से उगता है? तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको पता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है कि सूरज उत्तर से नहीं उगता है। सो इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। बच्चों का नहीं हो आप, 6th, 7th, 8th में नहीं हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम और श्याम मार्केट गए सामान लेने। तो कौन कौन सामान लेने गया? तो बच्चों बताओ कौन कौन सामान लेने गया? सर राम और श्याम गए। तो फिर आपने कहा बहुत अच्छा, मैं तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व कर लूंगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन देगा। अभी एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हाय हेलो एवरीवन, चलिए आप शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। सो डोंट ब्रिंग इन आउटसाइड नॉलेज, डोंट मेक योर ओन अजम्पशंस, अपने अजम्पशंस मत बताओ। मैंने क्या कहा? अपने अजम्पशन बताओ। सूरज पूरब से नहीं उगता, अब आपने मान लिया कि जी सूरज पूरब से नहीं उगता इसका मतलब पश्चिम से उगा। नहीं भाई, नहीं है आपको मानना, जितना राइटर ने कह दिया वही मानना है, बाकी कुछ भी नहीं मानना। ठीक है, so don't make your own assumptions, information may be stated, या तो information given होगा और implied होगा, या आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हो कि मैंने कहा, अब मैंने indirect information क्या होगी, पूरे दुनिया में सिर्फ चार दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। हमारे पास दुनिया में सिर्फ चार दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जबकि मैंने क्लियरली कह दिया कि सूरज न तो उत्तर में उगता है, न तो पश्चिम में उगता है और ना तो दक्षिण में उगता है। ठीक, दुनिया में दिशाएं चार हैं और सूरज ना तो पूरब, ना तो उत्तर में उगता है, ना तो पश्चिम में उगता है और ना तो दक्षिण में उगता है। अब क्वेश्चन क्या दे दिया गया कि सूरज किस दिशा में उगता है? आप कहोगे सर तो बताया नहीं, ये तो बताया कि नहीं उगता है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि कहां उगता है, जबकि ये कहा गया है कि सूरज उगता जरूर है और कुल दुनिया में चार दिशाएं होती हैं, तीन दिशाओं में नहीं उगता, कोई एक दिशा जिसमें उगता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको वहां समझना होगा कि बारीकी से समझना होगा। ठीक है, मेरी पॉइंट्स को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना। तो क्या हो जाएगा कि या तो डायरेक्टली गिवन होगा, स्टेटेड इंफॉर्मेशन होगा, या इंप्लाइड होगा, इंप्लाइड यानी अंतर नहीं होगा, अंदर ही छुपा होगा, इनडायरेक्टली आपको समझना होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए क्लियर है। सो आंसर्स कैन बी इम्प्लिसिट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एक्सप्लिसिट समटाइम, यानी एक्सप्लिसिट यानी समटाइम्स क्या होगा, आंसर डायरेक्ट होगा, और कई बार इम्प्लिसिट यानी इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, आंसर्स कंक्लूजन और इन्फरेंस कैन बी, ध्यान से समझना, आंसर्स कंक्लूजन और इन्फरेंसेस यानी निष्कर्ष कैन नॉट एक्सटेंड आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द provided information, यानी जो provided information है उसके बाहर कोई information आपकी नहीं जा सकती। ये point ध्यान से देख लेना मैं क्या कह रहा हूँ। Answers, conclusions or inferences cannot extend outside the premises of the provided information। बच्चे ये जितना आसान लग रहा है ना, बड़े आराम से मैंने लिख के बताया, ये जितनी भी चीजें दे रहा हूँ ना, ये मेरी लिखी हुई है, आपको जल्दी कहीं कॉपी, मेरे ही नोट्स, बहुत से लोग नोट्स लेकर के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लेकर के पढ़ाते हैं, सो ध्यान से समझ लेना, बाद में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन एम्फेसाइजिंग वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से कर लेना। फोकस ऑन एम्फेसाइजिंग वर्ड्स, जो एम्फेसाइजिंग वर्ड्स होते हैं, ओनली, ईच इन पर्टिकुलर, इनफैक्ट, स्पेसिफिकली, इन सब वर्ड्स को आपको स्पेशल हाईलाइट करना है। इसका मतलब कोई जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओनली ही कैन डू इट, ईच इन पर्टिकुलर, In fact, और specifically, different, क्या है? Different passages have different ideas. अगर पूरे passages में चार अलग अलग paragraphs आए हुए हैं, तो चारों paragraph के अलग अलग meaning होंगे।
ठीक है. सो इवेल्युएट द गिवन इंफॉर्मेशन एंड देन द एक्चुअल रीच द एक्चुअल कंक्लूजन एंड आंसर्स. ठीक है, चलिए कुछ और पूछना है? क्लियर? क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग वर्ड्स पे आपको फोकस करना है. डिफरेंट पैसेज अगर होगा तो उनका अलग अलग मीनिंग होगा, यानी अगर चार पैराग्राफ है उसके तो चारों पैराग्राफ के अलग अलग मीनिंग है. कुछ और किसी को पूछना हो सो यू कैन आस्क. ठीक है, वेरी गुड. चलिए, लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉसिबिलिटीज एंड सर्टेंटी. मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे क्या पॉसिबिलिटी है और क्या फैक्ट है. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप इससे भी रिलेट कर सकते हो. ट्रू और ट्रुथ. ट्रू क्या है, ट्रुथ क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है और यहां से भी आप कर सकते हो फैक्ट क्या है और सर्टेनिटी क्या है. व्हाट इज फैक्ट? सो मैं कहता हूं इंडिया मे बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 1950, सॉरी इन 2050. So, ये तो क्लियर केस है कि ये पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, इंडिया इज ग्रोइंग विद द रेट ऑफ 6.8 to 9.8%. ये हो गया सर्टेनिटी है. ठीक है, मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. ये ट्रू हो सकता है अनट्रू हो. फिर मैं कहता हूं द हाइएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाई सचिन तेंदुलकर, ये तो ट्रूथ है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है. सो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कहीं पे ट्रूथ क्या है और ट्रू क्या है. क्लियर? सो क्या चीज है कि लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉसिबिलिटीज एंड सर्टेनिटीज. कहां पॉसिबल है कोई चीज और कहां पर पॉसिबिलिटीज है और कहां सर्टेनिटी है, ये आपको बारीकी से समझना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है. वही डिफरेंस है जो ट्रू और ट्रुथ के बीच में है. जैसे कोई कहे कि मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, इट कैन बी ट्रू फॉर सम पीपल बट बहुत से लोगों के लिए बुरा है कि नहीं, ही इज डूइंग नथिंग. कोई कहता नहीं केजरीवाल इज डूइंग वेरी गुड, सम लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा. नहीं, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. सो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में क्या होता है, क्या ट्रू है क्या ट्रूथ है. लेकिन अगर फैक्ट की बात किया जाएगा कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फैक्ट है. ही चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, फैक्ट है. इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, नाजिर अली कुछ क्वेश्चंस बता दो 100% जो आएंगे. कौन से एग्जाम में? चलिए, स्किमिंग, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी एक बार पैसेज पढ़ लिया, मोटा मोटा आइडिया हो गया कि किस बारे में बात कर रहा, दैट इज स्किमिंग. ये पहले बात कर लेते मैंने. क्विक ग्लिम्स ऑफ द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पैसेज इज ऑलवेज बॉटम अप अप्रोच. जिसको पता होगा बॉटम अप अप्रोच. व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच, मैं बता दूं. बॉटम अप ये कहां से निकलता है कि जो लोग कॉलेज में रहते हैं वो बॉटम अप का बड़ा शौक रहता है उनको. जब हम भी कॉलेज में होते थे तो बर्थडे पार्टी जब हुआ करते तो बर्थडे बॉम्ब्स मिला करते थे कि 20 हुए तो 20, 25 हुए तो 25, और कई बार तो 25 में 50 पड़ जाते थे, पता नहीं चलता था बर्थडे बॉम्ब्स कब मिलते हैं. तो बॉटम्स अप क्या होता है? बॉटम्स अप यानी वो उठाया और एक बार वन गो में जो ले लिया, दैट इज कॉल्ड बॉटम्स अप. तो बॉटम पहले नीचे हुआ करता था और जब ऐसे हो गया तो बॉटम अप हो गया, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच. यानी उल्टा चले हम, पहले क्वेश्चंस फिर पैसेज. और अच्छा आइडिया है. आपके केस में पहले क्या हुआ करता था कि पहले 5 क्वेश्चंस एक साथ होते थे, पैसेज में जाना पड़ता था. अब हर एक क्वेश्चंस के ऊपर पैसेज गिवन है. तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पे जाओ, आपका टाइम बच सकता है. पहले बार में आप पैसेज पढ़ लो, पहले बार में पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसके हर बार बाद पहले क्वेश्चन फिर पैसेज, पहले क्वेश्चन फिर पैसेज. तो थोड़ा सा चेंज हो गया ये. ठीक है, ठीक है, क्लियर. सो क्विक ग्लिम्स ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर द रीडिंग द पैसेज इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, बॉटम अप अप्रोच. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन सर्टेन क्वेश्चंस एलिमिनेटिंग द ऑप्शन विल गिव यू द राइट आइडिया. जैसे मैंने कहा है कि सूरज कहां कहां से नहीं था, दैट इज कॉल्ड नैरोइंग डाउन द ऑप्शन. सो इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स देन यूज द कॉन्टेक्चुअल क्लूज टू फिगर आउट द मीनिंग. यानी इसमें क्या करते हैं, हम रीड बिटवीन द लाइंस. दो लाइन पहले आगे पढ़ी, दो लाइन बाद में आगे पढ़ी और जानने की कोशिश की कि भाई क्या कहना चाह रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्चुअल क्लूज. ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट एनीवन?
एनी डाउट? फोर्थ पैरा इनकरेक्ट टीचर बताओ, चार पैरा क्या लिखा हुआ है? फिर से क्वेश्चन दो सर बताओ, फोर्थ पैरा इंटरकनेक्टेड नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है उस बच्चे ने, कि जो फोर्थ पैराग्राफ है ना, देखो पैराग्राफ का जो डिफरेंशिएशन होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं जरूर इसको लूंगा मैं। उसने बताया कि हमारे पास अगर पैरा वन है, पैरा टू है, पैरा थ्री है, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट बस मुझे देना, जस्ट अ मोमेंट। ओके, आई एम बैक। नहीं, पहली बार तो आपको पैसेज पढ़ना है। अब पेपर कंप्यूटर वाइज होगा, तो पहले क्या करोगे आप, पहले पैसेज पढ़ोगे उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, सो पैरा टू, पैरा थ्री, पैरा फोर। तो पैरा वन क्या देगा आपको? इंट्रोडक्शन देगा उसके बारे में, क्यों कोई इंट्रोडक्शन देता है आपको। अब पैसेज के भी टाइप अलग अलग होते हैं, अभी आपके लेवल पर मैं पैसेज का टोन नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपके लेवल पर पैसेज के टोन नहीं पूछे जाते, कि पैसेज का टोन क्या है, किस तरह का पैसेज, ये पूछा ही नहीं जाता, तो ये सब बीती बात हो गई, तो उसके बारे में आएगा नहीं। किस तरह का टोन है पैसेज का, टेक्स्ट किस तरह का टेक्स्ट है, ये नहीं पूछा जाता, ये सब आपका कैट में पूछा जाता है या फिर बाकी जगह पूछा जाता है, तो आपको इन्फरेंस करना पड़ता है कि पैसेज का टोन कैसा है। बहुत सारे टोन होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो नहीं है। पैरा टू क्या करेगा, फैक्ट देगा कुछ ना कुछ, इसमें क्या देगा, प्रॉब्लम दे सकता है, और फोर्थ पैराग्राफ क्या देगा, हमेशा सोल्यूशन दे सकता है, किसकी सोल्यूशन क्या हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पैसेज की पैसेज में क्या है, किस तरह का पैसेज है, कि क्या एक कोई पैसेज का मतलब, पैसेज के भी टाइप होते हैं कि किस किस तरह का पैसेज है, तो उसके हिसाब से आप तय करते हो कि पैसेज में क्या क्या है। ठीक है, चलिए, ड्रॉ कंक्लूजंस एंड मेक इन्फरेंसेस एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। बार बार देखो, ये गिवन इन्फॉर्मेशन बार बार कहने का मतलब है, डोंट कोई भी चीज जो है, जो आपका नॉलेज है वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बाहर नहीं आना चाहिए। इसी का मतलब है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के बाहर आप नहीं चाहिए हो। पे अटेंशन टू द समरी वर्ड्स, जैसे लास्ट पैराग्राफ के बच्चे ने पूछा फोर्थ पैराग्राफ में, सो क्या करोगे आप, therefore हो गया, thus हो गया, as a result हो गया, in conclusion हो गया, इन पर से आपको पता चल जाएगा कि actually author क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, make sure you understand the author's points and assumption that has led to the conclusion, यानी किस assumption को माना उसने, किस hypothetical case को माना। जैसे हमने माना कि let x equals to y, अब हमने मान लिया, और उसके बाद हमने बाद में प्रूफ कर दिया कि RHS is equal to LHS, ये हो गया। सो ऐसे आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? ओके, विनोइंग द पैसेज, गेटिंग वीट from the dust and other materials is called winnowing the passage. जो आपके लिए information नहीं है, वो कचरा है, उसको ignore करो, उसको ignore करो, nothing else you need. ठीक है? Yes. Try to frame the, अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको आरसी का किंग बनना है, सो ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चंस इन योर माइंड, अपने दिमाग में क्वेश्चन सोच लो, यू विल बी द किंग ऑफ द पैसेज। ठीक है, सिर्फ अपने दिमाग में क्वेश्चन सोच लो, ट्राई टू फ्रेम द पॉसिबल क्वेश्चंस योरसेल्फ दैट कैन बी फ्रेम्ड व्हाइल यू रीड द पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर आप सोच लोगे, यू कैन बी किंग। ट्राई टू फ्रेम द पॉसिबल क्वेश्चन योरसेल्फ दैट कैन बी फ्रेम्ड व्हाइल यू रीड द पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट्स डन। चलिए, कुछ और पूछना है किसी को? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है कि पैराग्राफ का टाइटल कैसे डिस्कस करेंगे, वो भी आता है इसमें। टाइटल के लिए सबसे बड़ी बात है जीस्ट जानना। मैंने एक पॉइंट दिया होगा कि जीस्ट जानो कि क्या बात कर रहे हैं। देखो, स्किमिंग, बर्ड्स आई व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, तो वहां से टाइटल आप डिसाइड कर सकते हो कि टाइटल इसका क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ओके, चलिए, आई होप कि
दिस इज विजिबल टू एवरीवन. मैं सॉल्व करता हूं इसको, आप देखते जाना. दिस इज विजिबल, यस, वेरी गुड. क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था, थोड़ा सा मुझे ज्यादा इस पे मतलब कोशिश की, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाया कि आपको दिक्कत ना हो. चलिए, वन डे ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ पढ़ रहा हूं मैं. हाँ, चलिए ध्यान से देखना, आप ऑप्शंस पढ़ते हैं, ध्यान एक बार के में क्लियर हो जाएगा. थोड़ी देर इधर उधर की बातें ना करें आप, सिर्फ और सिर्फ चैट देख लो, सारा क्लियर हो जाएगा. One day the king came to the court. कौन आया court? एक दिन, और अपना पेन का, अगर पेन और पेपर है आपके केस में, अगर आपको पेन पेपर दिया जाता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले, क्योंकि कंप्यूटर पे थोड़ी पेन चलाओगे, पेन से चलाओगे, तो इंपॉर्टेंट है कि ये मार्क मेरी बात, टेक माई वर्ड, कि एग्जाम में अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और पेंसिल और पेपर मिल रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले, ये काम आएगा आएगा, ये बात गांठ बांध लो. सो वन डे द किंग केम टू द कोर्ट. कौन आया? राजा आया. And begin attending the routine matters. और उसने क्या किया? Routine matters को attend करना शुरू किया. People had brought to him, जो लोग उसके सामने मामलात मामलात लेकर के आए थे, उनको attend करना शुरू किया. किसने? राजा ने. He happened to be in bad mood that day. ध्यान करने वाली बात है कि वो उस दिन उसका mood खराब था. Just then, तभी a messenger arrived out of breath. एक messenger भागता हुआ, सांस उखड़ता हुआ आया. With a message that the queen wanted to see the king in her palace. उसने कहा कि जो रानी है वो राजा को अपने महल में देखना चाहती है. रानी कहां देखना चाहती है? राजा को महल में देखना चाहती है. राजा क्यों जा रहा है? रानी ने बुलाया होगा तभी जा रहा है. द किंग रोज इमीडिएटली एंड ऑल द कर्टियस रिस्पेक्टफुली गॉट टू देयर फीट. और राजा खड़ा हुआ और बाकी जो दरबारी थे वो राजा के सम्मान में अपने पैरों पर खड़े हो गए, तुरंत के तुरंत खड़े हो गए. द जेस्टर हाउएवर रिमेन्ड सीटेड अनअवेयर दैट द किंग वॉज डिपार्टिंग. एक जेस्टर था जो कि वहां पर बैठा हुआ था, अनअवेयर इस बात से कि राजा जा रहे थे. He belatedly got to his feet, belatedly यानी थोड़ा देर से, belatedly got to his feet, but while doing, he was noticed by the king, who perceived his behavior as an insult. लेकिन वो जब राजा उठ के खड़े हुए जाने के लिए, तो वो थोड़ा देर से खड़ा हुआ, उस तरीके से नहीं खड़ा हुआ जैसा कि हर दरबारी तुरंत खड़े हो गए. जब राजा गुजर गए या गुजर रहे थे तो वो, जैसे मान लो कोई ध्यान है फोन में तो आराम से उठ रहा है, कैजुअली उठ रहा है, लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ा. सो ही belatedly got to his feet, but while doing so, he was noticed by the king, who perceived this behavior as an insult. उसको लगा कि ये उसके लिए बेइज्जती है. He ordered the jester to leave his kingdom with immediate effect and not to set foot on its soil under penalty of death. उसने कहा जेस्टर से कि आप तुरंत के तुरंत ये देश छोड़ करके चले जाओ और यहाँ से लाइन देख कर ना, with immediate effect and not to set foot on its soil under penalty of death. यानी अगर इस धरती पर, यानी इसके जमीन पर, इस मिट्टी पर वो पैर रखेगा तो उसको मौत की सजा दे दी जाएगी, यानी यहाँ से वो चला जाए. The courtiers were upset, जो दरबारी थे वो दुखी थे, and protested, इस बात का विरोध किया, लेकिन राजा तो राजा, डिसीजन दे दिया तो डिसीजन दे दिया. कौन से तरह की सरकार है? ऑटोक्रेटिक रूलर है वो, ऑटोक्रेटिक रूलर है ये, ठीक है. कैसा रूलर है? ऑटोक्रेटिक रूलर है. द जेस्टर वॉज अम्यूजिंग एंड वेल लाइक. जेस्टर क्या था? अम्यूजिंग था, जेस्टर ही है तो अम्यूजिंग होगा ही होगा. सो द जेस्टर वॉज अम्यूजिंग एंड वेल लाइक, बट द जेस्टर ओबेड द किंग्स कमांड्स एंड लेफ्ट द पैलेस प्रॉम्प्टली. उसने तुरंत महल छोड़ दिया. सेवरल मंथ्स पास्ड, बहुत से महीने बीत गए, एंड आफ्टर द किंग हैड ordered the jester to leave his court. बहुत से महीने बीत गए जब राजा ने जेस्टर को महल छोड़ने का आदेश दिया हुआ था. The king's anger had subsided. राजा का गुस्सा शांत हो चुका था. He decided to invite the jester to return to his court. जेस्टर, राजा ने सोचा कि अब वो जेस्टर को ही, का मतलब यहाँ पे राजा से है कि वो अपने कोर्ट को, जेस्टर को दोबारा इनवाइट करेंगे. Messengers were sent to the neighboring kingdoms. Messengers को दूसरे देशों में भेजा गया to search the jester and bring him before the king. उसको राजा के सामने लेकर के आया जाए. However, the very next day, ठीक अगले दिन, when the king was standing in one of the palace balconies, अपने महल की जो balconies में खड़े थे, he saw a horse carriage pass outside the palace. उन्होंने देखा कि एक horse carriage, घोड़े की बग्गी उनके महल के बगल से गुजर रही थी. He glanced at the carriage out of the curiosity. ये गलत लिखा, curiously लिखा होगा, ये गलत लिखा हुआ. He glanced at the carriage out of curiosity. उस curiosity से उन्होंने उसको glance किया carriage को. And spied the jester sitting inside. उन्होंने देखा कि वो जो जेस्टर है उसको स्पाई यानी जासूसी की नजर से उसने देखा कि जेस्टर अंदर बैठा हुआ है. द कैरियज वॉज स्टॉप, कैरियज को रोका गया. द किंग आस्क्ड द जेस्टर एंग्रीली. राजा ने गुस्से में उससे पूछा, व्हाई हैव यू
कम बैक टू द किंगडम विदाउट माई परमिशन, कि आप बिना मेरी परमिशन के यहां पर क्यों आए हो। योर मैजेस्टी, द जस्टर रिप्लाइड पोलाइटली, आई लेफ्ट फॉर चाइना द डे यू ड्रोव मी आउट ऑफ योर कोर्ट। मैं अगले दिन चाइना चला गया था जिस दिन आपने मुझे आदेश दिया था। आई रिटर्न्ड ओनली आफ्टर I had covered the floor of my carriage with the soil of neighboring country. अब मैंने अपने जो कैरियज है उसके फ्लोर को दूसरे देश की मिट्टी से ढक दिया हुआ है। अपने कैरियज के फ्लोर को दूसरे देश की मिट्टी से ढक दिया हुआ है। I have thus not set my foot on your soil. और इस तरह से मैंने आपके जमीन पर, आपके मिट्टी पर पैर नहीं रखा हुआ है। The king found the gesture's answer pleasing. राजा ने उसके जवाब को बहुत pleasing पाया and asked him to come to the court from the next morning. और अगले दिन से कहा कि आप सुबह कोर्ट में आ जाओ। ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ लिया, समझ में आ गया। आसान पैसेज था, स्टोरी है, आसान लग रहा था। नैरेटिव पैसेज है ये, सरकार सटायरिकल पैसेज है और नैरेटिव के फॉर्म में आया हुआ है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? ऋतु सिंह, पैसेज में कितना टाइम लगेगा ना, ये पैसेज के स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ मैंने। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। व्हाई वाज द जेस्टर ट्रेवलिंग इन कैरियर्स फिल्ड विद अर्थ? फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट। क्या पैसेज किसी और पैसेज दोबारा पढ़ने की जरूरत है? क्या पैसेज दोबारा पढ़ने की जरूरत है किसी को? जल्दी से फटाफट ये वीडियो लाइक कर लो, फटाफट लाइक कर लो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या ये पैसेज दोबारा पढ़ने की जरूरत है? नहीं, एक बार देख लो, फिर मैं एक बार हट जाता हूं, पूरा पैसेज दोबारा कर लो, पढ़ लो दोबारा। आई एम गिविंग यू जस्ट वन मिनट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। व्हाई वाज द जेस्टर ट्रेवलिंग इन अ कैरियज फिल्ड विद अर्थ? अर्थ का मतलब यहां पे सॉइल की बात कर रहे हैं वो। अब ये मत कहो कि सर ये तो अर्थ की बात क्या कर रहे हैं वो। टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज विजिट टू चाइना, to demonstrate he had no place to live, to show he was following the king's order, none, only one, only three, only two. What would be the answer? ठीक है, very good. To show he was following the king's order. ठीक है, क्योंकि वो राजा के आदेश का पालन कर रहा था कि मैं आपकी धरती पर पैर नहीं, आपकी मिट्टी पर पैर नहीं रखूंगा, तो इसलिए उसने अपने कैरियर्स के ऊपर चाइना की मिट्टी लगवा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाई डिड द किंग लीव द कोर्ट सडनली वन डे? राजा ने अचानक कोर्ट क्यों छोड़ दिया? ही वॉज बोर्ड एज द वर्क वॉज रूटीन, रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन टू मीट द क्वीन दैट डे, ही वॉज अपसेट दैट डे, या नन ऑफ द अबव? सेकेंड वन। कौन कह रहा है he was upset? जूही, नंदिनी? अरे वो अपसेट था, कब कहां ऐसा कहां लिखा हुआ कि वो अपसेट था? अच्छा हाँ, he was in a bad mood. चलो, he was in a bad mood. लेकिन रीजन क्या है? जस्ट देन उससे ये निष्कर्ष कहां निकला कि उसकी वजह से छोड़ दिया। The king came to the court, began attending the routine matters people had got to him. He happened to be in bad mood that day. Just then a messenger arrived out of the breath with a message that the queen wanted to see the king in her palace. इससे ये थोड़ी निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वो bad mood में था इसलिए चला गया था। No. He was upset. None of the above. कहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने bad mood की वजह से वो गया था? वो गया क्यों? क्योंकि रानी ने बुलाया था उसको। और ये कहीं mention नहीं है। Don't assume any information which can extend the premises of the given information. Clear? Second, clear hai sabko?
क्या सेकंड क्लियर है सबको? चलिए, Why did the king himself ask the jester to return to his court? He missed the jester's wit and humor. The jester did not need the request the king had sent through his messengers. The courtiers thought the king was foolish for throwing out the jester. The king appreciated the jester's cleverness in interpreting his orders. ऐसे क्वेश्चन में कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है, और डी को आप सही मत करना, डी को सही मत करना, क्योंकि राजा ने उसको ऑर्डर दिया था, किंग ने, राजा ने उसको ऑर्डर दिया था अटेंड करने के लिए, उसके बाद वो आया था. द किंग अप्रिशिएटेड, तारीफ तो उसने बाद में की थी ना, द किंग अप्रिशिएटेड द जस्टिस क्लेवरनेस In interpreting his orders. तो ये तो बाद में किया था. अगर आप third के D में जाओगे, तो the king appreciated the jester's cleverness in interpreting his orders. Okay, let me read the passage once again. He decided to invite the jester to return to his court. The jester was amusing and well liked. Which one should correct? पैसेज पढ़ने के बाद ये लग रहा था कि राजा ने उसको इनवाइट पहले किया था और सडनली उसको देख लिया था, तो डी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और बी मुझे समझ में नहीं आ रहा. इट शुड बी ए ओनली, क्योंकि वो जेस्टर है, ऑब्वियसली वो जेस्टर है, मिमिक करता है वो, तो यही तो होगा, ए ही होगा. ए वुड बी द राइट आंसर. जेस्टर मतलब वो जो जोकर होते हैं ना, आप उसको जेस्टर समझ लो. जेस्ट मतलब होता है ताना मारना, तो जो मिमिक करते हैं ना उसको हम जेस्टर बोलते हैं, जो उसको मस्खरा करने वाला बोलते हैं, कि जो मस्खरा होता है उसको जेस्टर बोलते हैं, जब राजा बोर हो जाए तो उनको, उनके लिए. हाँ, आई अग्री, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डी वाला पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसने बुला के भेजा होता तो अगर दरबारी उसको लेकर के आते, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. लेकिन वो छुप के आ रहा था ना, वो कैरियज में छुप करके आ रहा था, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा. जब डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, सो इसमें दो पॉइंट मेंशन है. आप देखना, मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, सॉरी, कि द जेस्टर वॉज अम्यूजिंग एंड वेल लाइक्ड एंड ही डिसाइडेड टू इनवाइट द जेस्टर टू रिटर्न टू हिज कोर्ट. गिवन वो भी नहीं है, Given वो भी नहीं है. फिर देखो, however the very next day when the king was standing in one of the palace balconies, he saw, last में नहीं होगा, I have thus not set my foot on your soil. He smiled and asked him to come to the court from the next morning. अगले दिन ने उसको बुला लिया था.
कोर्ट नेक्स्ट मॉर्निंग. ओके, आई गेस डी इज द राइट आंसर. जब मैंने इसको दोबारा पढ़ा, नो, ओनली डी इज द राइट ऑप्शन. करेक्ट, आई माई सेल्फ इज इनकरेक्ट. डी इज द राइट ऑप्शन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं भी ये पहली बार ही कर रहा हूं. डी इज द राइट ऑप्शन. डी इज द राइट ऑप्शन. डी इज द राइट ऑप्शन. इट्स करेक्ट. ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन. ये लास्ट में देखा मैंने, द जस्टिस आंसर प्लीजिंग, ही स्माइल्ड एंड आस्क्ड हिम टू कम टू द कोर्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन उसको बुला लिया उसके क्लेवरनेस पे. क्लियर, इट्स ऑल क्लियर. डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर, क्लियर. Clear? D is the right option. Next, why did the jester remain seated while the king was leaving? Why did the jester remain seated while the king was leaving? To show he was unhappy with the king's decision to leave early, to get the king's attention, to show the king that leaving early was insulting to those who had come to the court. He did not realize that the king was leaving. Why did the jester remain seated? गलत है. B भी गलत है. Okay, only D is correct. So fourth का D. कुछ नहीं नहीं fourth का D, fourth का D, fourth का D तो easy है. Question पांच छह questions में कुछ ऐसे आएंगे कि आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई problem नहीं आएगी. Clear? चलिए next is. Which of the following cannot be said about Jester? Jester ke baare mein kya nahi kaha sakta? He was afraid of the king and obeyed his orders without question. He had enjoyed visiting China so much he wanted to live there. Galat. He did not respect the king because of his short temper. Aisa bhi kahin kuch mention nahi hai. Aisa bhi kahin mention nahi hai ki wo raja se darta tha. नहीं, अगर ऑप्शन देखा जाएगा तो ऑप्शन के हिसाब से इट शुड बी ए. मेरे ख्याल से गलत ऑप्शन है ये. ऑप्शंस गलत हैं. इसमें नन का ऑप्शन होना चाहिए था. इट शुड बी नन. ऑप्शन गलत है इसमें. ऑप्शंस गलत हैं इसमें. इसमें नन का ऑप्शन होना चाहिए था. ठीक है, नहीं उसमें ये भी कहीं नहीं मेंशन है कि वो राजा से डरता था. अगर डरता तो दोबारा वापस ना आता. ठीक है, ठीक है. ठीक है, हाँ कौन सा नहीं हो सकता. तो मैंने कहा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी सेड अबाउट. ओके ओके, आई एम सॉरी. So all 1, 2 and 3, B is the correct option. ठीक है, I got it now. All 1, 2 and 3, तीनों ही नहीं हो सकते ना. All 1, 2 and 3, तीनों ही नहीं हो सकते. All 1, 2 and 3, B is the right option. ठीक है, correct. चलिए, इस पूरे पैसेज में कोई डाउट किसी को? पूरे पैसेज में कोई डाउट किसी को? क्या कोई डाउट किसी को?
क्या कोई डाउट किसी को? चलिए ये देखो, अच्छा पैसेज है, ध्यान से करता हूं मैं। ये आप ये पैसेज करो, फिर इंटरेस्ट आएगा। ये पैसेज करो, चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री that emerged in the 1960s and 1970s sought to go beyond the traditional focus of political historians on leaders and government institutions by examining directly the political practices of ordinary citizens. सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पहले पैसेज के पहले पार्ट को अच्छे से समझना होगा कि क्या कह रहा है। लंबी सी लाइन है, द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, किसकी बात कर रहा है? द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट इमर्ज, जो कि उभरी हुई थी। सो द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट इमर्ज इन द 1960s एंड 1970s, कब आई थी? जो न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री जो कि आई थी 1960s एंड 1970s में, सॉट टू गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फोकस ऑफ पॉलिटिकल हिस्टोरियंस, यानी जो पहले, इसका मतलब जो पहले हिस्टोरियंस थे, द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ये नई थी, that emerged in 1960s and 1970s, जो कि 60 और 70 के दशक में आई थी, sought to go beyond the traditional focus of political historians. तो जो political historians की theory थी, उसके ऊपर बात की गई थी, जो 60 और 70 के दशक में जो political theory थी, उसके बाद के दशक की बात की गई थी। On leaders, किसके बारे ऊपर? On leaders and government institutions by examining directly to the political practices of ordinary citizens. यानी ordinary citizens की political practice क्या होती है, इसके बारे में ही research करने की बात की गई थी। ठीक है, द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट इमर्ज्ड इन, यानी अगर पूछे कि जो न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री कब इमर्ज हुई थी 1960s एंड 70s में, सॉट टू गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फोकस, यानी क्या किया, किसके फोकस, व्हाट डिड दे फोकस, टू फोकस ऑफ पॉलिटिकल हिस्टोरियंस ऑन लीडर्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बाई एग्जामिनिंग directly to the political practice of the ordinary citizens. Ordinary citizens के जो political practices थे, यानि in short अगर देखा जाए, तो किसके बारे में बात कर रहा है वो? सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा है कि किसके किसको practice किया उसने? So इसको practice किया उसने by examining the political practice of ordinary citizens. इसको practice करने की बात की, the political practice of ordinary citizens. Like the old approach, however, this new approach excluded women. यानि इसमें पहले approach में भी औरतों को पॉलिटिकली मिसफिट माना गया था, और नए अप्रोच में भी औरतों को मिसफिट माना गया था। लाइक द ओल्ड अप्रोच, देखो आप पुराने अप्रोच की तरह से, दिस न्यू अप्रोच हाउएवर है एक्सक्लूडेड विमेन, यानी यहां भी औरतों को बाहर ही रखा गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने उठा लिए। The very techniques these historians used to uncover mass political behavior in the 19th century United States, यानी कोई important point नहीं है, कहा गया है कौन से technique इस्तेमाल की, these historians used to uncover, यानी unhide या showcase mass political behavior in the 19th century United States, यानी 19वीं शताब्दी के दशक में जो मास पॉलिटिकल बिहेवियर था, यानी एक बहुसंख्यक लोग जिस तरह का पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते थे, उसके बारे में बात की गई इन 19th सेंचुरी इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी रैंडम डेटा नहीं, विद फैक्ट्स एंड कवर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्शन रिटर्न्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्शन रिटर्न्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्शन रिटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल, वर यूजलेस इन एनालाइजिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वुमेन। सो the very techniques these historians used to uncover mass political behavior in the 19th century United States, quantitative analysis of election returns, for example, were useless. Kya the? Quantitative analysis of election returns, for example, were useless in analyzing the political activities of women. Yani tab ye bekar the. Were useless in analyzing the political activities of women who were denied to the vote until 1920. Yani किसके ऊपर फोकस किया होगा उन्होंने? औरतों के बारे में, जो कि 1920 तक उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, बाय रिडिफाइनिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी, हिस्टोरियन पॉला बेकर हैज डेवलप्ड अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, एक कोई नई पॉलिटिकल हिस्ट्री डेवलप की, दैट इंक्लूड्स वुमेन, की यहां पर औरतों को भी शामिल किया गया था, उस पे काम किया। ठीक है, इस पैराग्राफ को दोबारा देख लेते हैं हम। So, the very techniques those historians used to uncover mass political behavior in the 19th century United States, quantitative analysis, कौन सी analysis? Quantitative analysis of election returns, यानि जो लोग आए, उनको quants के data के ऊपर काम किया, for example, which were useless, यानि कौन सी चीजें useless थी?
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूजलेस थे इन एनालाइजिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वुमेन हु वर डिनाइड वोट अंटिल 1990 यानी किस टेक्निक से एनालाइज किया औरतों का रोल इसमें सो क्वांटिटेटिव टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल किया ठीक है दैट इंक्लूड्स वुमेन शी कंक्लूड्स कौन कंक्लूड करता है पॉला बेकर शी कंक्लूड्स दैट अमंग ऑर्डिनरी सिटीजंस She concludes that among ordinary citizens, political activism by women in the 19th century prefigured. ध्यान से देखना मेरी बात. She concludes, उन्होंने conclude किया that among the ordinary citizens, यानी ordinary citizens में, political activism by women in the 19th century, जो कि 19th century में हुई थी, prefigured trends in 20th century. यानी जो 19वीं शताब्दी में औरतों के चीजें हुई थी वो 20वीं शताब्दी में पहले ही आ चुकी थी प्रीफिगर्ड हो गई यानी शी कंक्लूड्स दैट अमंग द ऑर्डिनरी सिटीजंस जो नॉर्मल लोग हैं क्योंकि नॉर्मल लोगों से पॉलिटिकल थ्योरी दूर रहती है ऑर्डिनरी सिटीजंस पॉलिटिकल एक्टिविज्म ध्यान से देखना इस बात को पॉलिटिकल एक्टिविज्म बाय वुमेन इन द 19th सेंचुरी प्रीफिगर्ड पहले ही आ गई थी ट्रेंड्स इन द 20th सेंचुरी ट्रेंड यानी उसका रुझान पहले ही आने लगा था यानी औरतों का जो रोल 19वीं शताब्दी में था थोड़ा बहुत जो आया वो 20वीं शताब्दी में पहले ही आ गया politics defining politics as any action taken to the affect the course of behavior of the government or of the community any politics kya hai politics ko kaisa define kiya unhone any action taken to affect the course of behavior of the government yani sarkar ka kis tarah se bartav rehta hai ya us community ka kaisa bartav rehta hai yahi politics yani politics ka definition hame center line mein mil gaya ki defining politics as any action politics is any action taken to affect the course of behavior of the government or of the community. Baker concludes that while voting and holding the office were restricted to men, yani voting 1920 ki baat kar tha ki 20 se pehle, but if denied the vote until 1920, to while voting and holding office were restricted to men, women in the 19th century organized themselves into a societies committed to social issues यानी क्या किया 19th century में औरतों ने क्या किया organized themselves into societies यानी औरतों ने क्या किया अपने आप को societies में convert किया committed to social issues यानी उन्होंने अपने आप को ध्यान केंद्रित कर लिया social issues के ऊपर such as temperance and poverty यानी गरीबी और poverty के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया in other words Baker contends बाद में Baker कबूल करती है इस बात को एडमिट करती हैं विमेन एक्टिविस्ट वर अर्ली प्रैक्टिशनर ऑफ नॉन पार्टीशन यानी सिर्फ औरतें ही थी जो कि नॉन पार्टीशन यानी बराबरी की बिना भेदभाव अनबायस्ड बात की थी यानी अगर पूछा जाए कि कौन सबसे पहले नॉन पार्टीशन पॉलिटिकल बिहेवियर का एग्जांपल था तो विमेन थी जो 1920s के बाद यानी 20th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो विमेन पहले थी जिन्होंने नॉन पार्टीशन पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर काम किया ठीक है Issues-oriented politics, women activists were early practitioners of non-partisan. Issue-oriented politics, यानी सिर्फ मुद्दों की बातचीत की. Issue-oriented politics, and thus were more interested enlisting lawmakers. उन्होंने उन lawmakers को उनका interest किस में था? जो lawmakers थे उनकी enlisting में. And another one, regardless of their party affiliation, यानी किस party से हैं उनको इस बात से मतलब नहीं था. Law making में औरतों की कितनी भागीदारी है? कौन-कौन सी Beside the party, उन्होंने क्या किया उनको बताया On behalf of certain issues, then ensuring that one party or another won an election, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या कौन हारता है लॉ मेकिंग इज इंपॉर्टेंट और इश्यूज क्या है विमेन एक्टिविस्ट वो अर्ली प्रैक्टिशनर ऑफ नॉन पार्टीशन यानी गैर भेदभाव इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स एंड दस वर मोर इंटरेस्टेड इन एनलिस्टिंग लॉ मेकर्स एनलिस्ट किया लॉ मेकर्स को रिगार्डलेस देयर पार्टी अफिलिएशन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं डजंट मैटर जो अच्छे लोग हैं उनको आना आगे आना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द सर्टेन इशू देन इन द इंश्योरिंग बिहाफ ऑफ द सर्टेन इशू सिर्फ सर्टेन इशू के ऊपर नहीं देन इन द इंश्योरिंग दैट वन पार्टी और अनदर वन एन इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतती है जो बिहाफ ऑफ द सर्टेन इशू उन्होंने किस पे इलेक्शन किया लोगों का इशूज के ऊपर रादर देन ensuring that one party or another won an election yani pehli party jeetti hai dusri party jeetti hai isko chhod karke issue ke enlisting ke upar kaam kiya likha hua hai on behalf of certain issues than in ensuring that one party or another won an election yani party ke jeetne haarne ke upar nahi issues ke upar unhone uska kya naam hai liya ठीक है इन द 20th सेंचुरी मोर मेन ड्यू क्लोजर टू वुमेन्स आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स
in the 20th century on behalf of certain issues than ensuring that one party or another won election. In the 20th century, more men drew closer to women's ideas. 20th century mein log bhag, yani men kya hue? Men drew closer to the women's ideas. More men drew closer to women's ideas about politics and took up modes of issue-oriented politics, or phir issue-oriented politics ke baare mein liya. Baker sees women as having pioneered. Yani Baker ne jis theory ko dekha tha, us theory ke upar पुरुषों ने काम करना स्टार्ट कर दिया. क्लियर? क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? एफिलिएशन का मतलब होता है उसको एफिलिएट करना, मतलब उसको अनुपादित या उसको अनुमोदित करना, हिंदी बोलते हैं उसको, मतलब रिकमेंड करना उसको. जल्दी से देखो, एक बार पढ़ लो इसको, क्लियर कर दूं मैं पूरा. चलिए, लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दूं. चलिए यहां से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जहां से लिखा हुआ है. इन अदर वर्ड्स बेकर कंटेंट्स, बेकर एडमिट करती हैं, विमेन एक्टिविस्ट वर अर्ली प्रैक्टिशनर ऑफ नॉन पार्टीशन. यानी औरतें क्या थी? नॉन पार्टीशन. यानी नॉन पार्टीशन का मतलब बराबरी का, एकदम कोई कोई बायसिंग नहीं था. नॉन पार्टी समतावादी जिसको बोलते हैं, नॉन पार्टीशन इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स एंड दस वर मोर इंटरेस्टेड इन एनलिस्टिंग लॉ मेकर्स. उनका ध्यान किस बारे में ज्यादा था? लॉ मेकर्स को एनलिस्ट करने में, रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशन, बजाय उसके कि पार्टी एफिलिएशन में क्या चल रहा है. ऑन बिहाफ ऑफ सर्टन इश्यूज, बजाय उसके कि सर्टन इश्यूज, उन्होंने यहां से देखना, ऑन बिहाफ ऑफ सर्टन इश्यूज, यानी उनकी ध्यान किस में था? कॉमा लगा हुआ है, तो यहां से देख लेना. Women activists early practitioners of non-partisan issue-oriented politics and thus were more interested in enlisting lawmakers regardless of their issue. So women were more interested. ये वाली लाइन आ जाएगी. Women were more interested on certain issues than in ensuring that one party or another won. यानी women जो practitioner थी politics की, वो इस बारे में ध्यान नहीं देती थी कि पहली पार्टी जीतती है या दूसरी पार्टी जीतती है. जिस पार्टी में मैं हूँ वो जीतती है, या जिस जो पार्टी अगेंस्ट है वो जीतती है. इशू क्या थे? लॉमेकर्स का पावर्टी खत्म करना, नॉन पार्टीशन लेकर के आना, या इश्यूज ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात की उन्होंने. ठीक है, लिस्टिंग से अनलिस्टिंग हो जाता है, लिस्टिंग बनता है. ठीक है, क्लियर? क्लियर? एनी इशू? चलिए, कुछ पूछना है पूछो आप पहले, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. चलिए, एनी क्वेश्चन? मिल जाएगा, आज का शेड्यूल मिल जाएगा, चिंता मत करो, मिल जाएगा. चलिए क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं. द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू एन्यूमरेट रीजंस व्हाई बोथ ट्रेडिशनल एंड स्कॉलरली मेथड्स एंड न्यूअर स्कॉलरली मेथड्स हैव लिमिटेशंस. किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू एन्यूमरेट रीजन व्हाई बोथ ट्रेडिशनल एंड स्कॉलरली मेथड्स एंड न्यूअर स्कॉलरली मेथड्स हैव लिमिटेशंस.
Identify a shortcoming in scholarly approach and describe an alternative approach. Provide empirical data to support a long-held scholarly assumption. Compare two scholarly publications on the basis of their author's background. ये तो गलत है, क्योंकि कहीं इसकी बात नहीं की गई. Go ahead. First one. चलिए. Go ahead. बच्चे पता चल जाएगा. फिलहाल आप क्वेश्चन कर लो. जो लोग हैं उनको करने दो. आपको सब पता चल जाएगा. जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लो. और अगर आप अपने दोस्तों को बुला सकते हो तो इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स. बहुत से लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे. आप जैसे बहुत से और भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा. चार दिन पहले जगेंगे तो आप उनको भी जगा दो. वेक देम अप फ्रॉम द स्लीप, फ्रॉम द स्लंबर इन फैक्ट, नॉट द स्लीप, फ्रॉम द स्लंबर. कम ऑन, गो अहेड. देखो ध्यान से समझना मेरी बात को. क्या इस पूरे पैसेज में, इसको मैं एक बार जानबूझ के मैंने मार्क कर रखा हुआ है, इस पूरे पैसेज में क्या ये कहीं कहा गया है कि जो न्यू स्कॉलरली मेथड्स है उसकी कोई लिमिटेशंस की तो बात ही नहीं की हुई है. उसकी लिमिटेशंस की बात कहीं नहीं की गई हुई है, क्योंकि सेकेंड मेथड जो दिया गया हुआ है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड. एक बार पैसेज देख लो. जो पैसेज था द न्यू स्कूल ऑफ दैट इमर्ज इन 1960s 70s दैट सॉट टू गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फोकस ऑफ पॉलिटिकल हिस्टोरियंस. वो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्टोरियंस के बारे में बात करते थे, आम आदमी के ऊपर बात नहीं करते थे, क्योंकि आम आदमी का बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राधन की मैं रूल मेकर हूं, मैं अब फर्स्ट क्लास, मैं किसानों के रूल बनाना चाहता हूं, कि मैं फार्म लॉ बनाना चाहता हूं, मस्त मेरा फर्स्ट क्लास का कम से कम 500 गज में ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग मेरी है, मैं एक आयुष ऑफिसर हूं, मस्त एसी में बैठा हुआ हूं और पेन चलाते हुए मैं रूल बना रहा हूं फार्म लॉज के लिए. भाई आप क्या बनाओगे? फार्म लॉज का रूल तब बनना चाहिए ना जब जाओ किसानों को देखो खेतों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या रही है. आपने बैठ के रूल बना दिया, हो गया. भाई प्रॉब्लम तो ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनके साथ का प्रॉब्लम बनना चाहिए. ठीक है, सो क्या हो जाएगा? Sought to go beyond the traditional focus of political historians on leaders and government institutions by examining directly the political practices of ordinary citizens. यानी leaders और government के बारे में बात कर रहा था. ठीक है, so कहीं बताया नहीं उसने. Like the old approach, however, this new approach excluded women. यानी इस new approach ने भी औरतों को छोड़ रखा था. The very techniques these historians used to uncover the mass political behavior, the 1960s quantitative analysis of the election results. ठीक है, फिर questions पे आ जाते हैं. यानी हमारे पास first और fourth गलत है. अब आपको second और third में answer चुनना है कि क्या होगा. Go ahead. चलिए फटाफट आंसर दीजिए. कुछ लोग बी हैं, कुछ लोग सी पर हो. प्रोवाइड एम्पिरिकल डेटा टू सपोर्ट अ लॉन्ग हेल्ड स्कॉलरली अजम्पशन. गलत है, कहीं पे कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं गिवन है. क्या पूरे पैसेज में कहीं कोई डेटा या इस वर्ड का या कोई फैक्ट का इस्तेमाल किया गया है? कुछ भी बात नहीं की गई है. जस्ट बिकॉज की पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है, सेकेंड इज करेक्ट. क्लियर? बी इज करेक्ट. क्लियर? So, आपने दो पैसेज देखे, आपने दो पैसेज देखा, पहला पैसेज भी देखा, दूसरा पैसेज भी देखा. आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि पहले और दूसरे पैसेज में क्या फर्क है. जो जैट के लोग हैं वो दूसरे पैसेज पे फोकस करो, और जो नॉर्मल लोग हैं मतलब जो बीएलएड वाला ग्रुप है, बीएड और जैट, वो दूसरे पैसेज पे फोकस करो. बीएलएड में फर्स्ट पैसेज की तरह से ही आएगा क्वेश्चन. ठीक है, the passage suggests which of the following concerning the techniques used by the new political historians described in the first paragraph of the passage. yani first paragraph ki baat kar raha, chaho dobara pad lo. the passage suggests which of the following concerning, kis concern ke bare mein baat kar raha hai, the techniques used by the new political historians. kaun se technique ki baat ki gayi thi? yahan pe likha hua hai quantitative techniques ki baat ki gayi hai. dekho likha hua hai quantitative analysis, the very techniques these students used to uncover the mass political behavior in the 19th century states, quantitative analysis of election returns, jo election returns, quantitative analysis of election returns. theek hai, aage badhte hain. they involved the extensive use of, aap dekho, aap khud dekho isko. they involved the extensive use of the biographies of political party leaders and political theoreticians. galat hai first, aapko padh ke lag raha hoga. they were dekho passage padh ke agar aapne acche se samajh liya to fir to koi dikkat hi nahi hai, fir to kar loge.
They were conceived by the political historians who were reacting against the political climates of land. Climates की बात कहीं की गई नहीं है, नहीं ये political climate की बात कर रहा है, ये climate वाली बात नहीं है. They were of more use in analyzing the positions of United States political parties in 19th century than analyzing the positions of those in the 20th century. They were more used analyzing and political behavior of the 20th century voters than obviously fourth one is correct. देखने की जरूरत ही नहीं है. Clear? Clear? ध्यान से पैसेज पढ़ने का फायदा हुआ कि आपने फिल्टर किया और आपको समझ में आ गया. इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर ऑफ द पैसेज कोट्स बेकर. पूरा नाम क्या है इनका? पॉला बेकर. इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर ऑफ द पैसेज कोट्स बेकर डायरेक्टली इन द सेकंड पैराग्राफ प्राइमरली इन ऑर्डर टू. बेकर को कोट क्यों कर रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में देखो यहां से आ गया, यहां कोट किया हुआ उसने. सो वर यूजलेस इन एनालाइजिंग द पॉलिटिकल, यहां से हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द इलेक्शन रिटर्न्स फॉर एग्जांपल वर यूजलेस इन एनालाइजिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वुमेन. क्योंकि ये जो था पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वुमेन के लिए यूजलेस था. हु वर डिनाइड टू वोट 1920 बाय रीडिफाइनिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी हिस्टोरियन पॉला बेकर हैज डेवलप्ड अ पॉलिटिकल हिस्ट्री. क्या किया उन्होंने इसको कोट किया हुआ पॉला बेकर को. हिस्ट्री इन पॉला बेकर हैज डेवलप्ड अ पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट इंक्लूड्स वुमेन. यानी उस पॉलिटिकल थ्योरी की बात की दैट इंक्लूड्स वुमेन. शी कंक्लूड्स दैट अमंग ऑर्डिनरी सिटीजंस पॉलिटिकल एक्टिविज्म बाय वुमेन इन द 19th सेंचुरी प्रीफिगर्ड ट्रेंड्स इन 20th सेंचुरी. यानी 19वीं शताब्दी में जो चीज हुआ 20वीं शताब्दी के ट्रेंड्स में पहले ही वो दिखना स्टार्ट हो गया. प्रीफिगर्ड इन 20th सेंचुरी पॉलिटिक्स. Defining politics as any action taken to affect the course of behavior of government or community. Yani politics kya hai? Any action taken to affect the course of behavior of government or to the community. Aage chalte hain question ke upar. So it can be inferred that the author of the passage quotes Baker directly in the second paragraph primarily in order to clarify a position before providing an alternative to that position. Differentiate between a novel definition and traditional definitions. Provide an example of point agreed on by different generation scholars. Provide an example of the prose style of an important historian. Bada mushkil options, bahut mushkil hai. Go ahead. Answers. देखो, provide an example of the prose style of an important historian. ये गलत है. Prose style की बात नहीं कर रहा, prose style की बात नहीं कर रहा, empirical data की बात कर रहा, facts की बात कर रहा, तो fourth is wrong. Clarify a position before providing an alternative to that position. ये भी ठीक हो सकता है. Differentiate between a novel definition यानी नया. नया डेफिनेशन एंड ट्रेडिशनल डेफिनेशंस की डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉवेल डेफिनेशन एंड ट्रेडिशनल डेफिनेशंस इसकी बात भी शायद वो नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने नई डेफिनेशन तो दी हुई है लेकिन पुराने डेफिनेशन की बात नहीं की हुई है. ठीक है. सो व्हाट कुड बी द आइडिया. प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट अग्रीड ऑन बाय डिफरेंट जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स. या पहला, सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड. फोर्थ तो गलत है. गो अहेड.
Anyone? Third? Okay, ध्यान से देखो एक बात. इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना. By redefining political activity, historian Paula Bicker. By redefining political activity, historian Paula Bicker has. ये इसी में इनका कोट किया गया है. अब इस क्वेश्चन का जवाब दो. थर्ड का जवाब दो. थर्ड. I guess it should be B. She was correct. Differentiate between a novel definition and traditional definitions. क्योंकि ये line जब pick किया, so वहाँ से आ गया by redefining. ये redefine किया उन्होंने पहले के definition को novel यानी नई definition को और traditional definition को उन्होंने redefine किया. So it should be B. Third का B. Clear? Next question. According to the passage, Paula Bicker and the new political historians of the 1960s and 1970s shared which of the following? ये line पहले से mention है, इसलिए आगे देखेंगे नहीं. A disregard for political theory and ideology, an interest in the ways of which 19th century politics prefigured contemporary politics, a reliance on such qualitative techniques as the analysis of action returns, and an emphasis on the political involvement of ordinary citizens. I guess it could be either second or the fourth one. क्योंकि ordinary citizen की बात की गई थी और यहाँ भी prefigured century था, prefigured early trends वाला आ गया था. तो either second or the third one. A नहीं है. Qualitative techniques की बात नहीं की थी उन्होंने. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात की थी इलेक्शन रिटर्न्स की, तो गलत हो गया. सो आइदर सेकंड द फोर्थ वन. आप लोगों का क्या जवाब है? फोर्थ इज करेक्ट. मैंने पहले ही बता दिया था. So fourth is correct. कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नॉट सी. आप देखो इसको देखो. नॉट फोर्थ सी. देखो. The very techniques these historians used to uncover mass political behavior in the 19th century and its quantitative analysis of election returns. देखो. Quantitative analysis है. Qualitative analysis नहीं था. So that is not. वो पहले ही गलत कर दिया. वो गलत था वो in fact. ठीक है, सो गलत था वो. थर्ड महिमा. क्लियर? सो ये क्वालिटेटिव लिखा है बच्चे, ये क्वालिटेटिव लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव नहीं लिखा हुआ है. क्वालिटेटिव लिखा हुआ है ये. क्लियर? सो राइट आंसर इज द फोर्थ वन. आधे तो गायब हो चुके हुए हैं. 85-90 बच्चे से सिर्फ रह गए हुए हैं 40, बाकी गायब हो गए. अगर कहीं ऐसा पैसेज आया तो बाद में पछताओगे. Which of the following best describes the structure of the first paragraph of the passage? First passage ko describe karne ke liye kya hai? Two scholarly approaches are compared and shortcoming common to both is identified. An outmoded scholarly approach is described and corrective approach is called for. An argument is outlined and counter arguments are mentioned. A historical era is described in terms of its political trends. चलिए एक बार फिर से पढ़ लो फर्स्ट पैराग्राफ को जल्दी से. द न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट इमर्ज इन 1960s एंड 1970s सॉट टू गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फोकस ऑफ पॉलिटिकल हिस्टोरियंस ऑन लीडर्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बाय एग्जामिनिंग डायरेक्टली द पॉलिटिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस.
Like the old approach, I go, this new approach is pretty good. चलिए आ जाते हैं, क्या होगा? आई गेस फर्स्ट इज करेक्ट, फोर्थ इज रॉन्ग. आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहा है, करेक्टिव अप्रोच की बात नहीं कर रहा है. शुड बी द फर्स्ट वन. टू स्कॉलरली अप्रोचेस आर कंपेयर्ड एंड शॉर्टकमिंग कॉमन इज बोथ आइडेंटिफाइड. शॉर्टकमिंग मिला था, यहां पर मिल गया. लाइक द ओल्ड अप्रोच आई वर्क, दिस न्यू अप्रोच एक्सक्लूडेड वुमेन. क्लियर? सो क्या होना चाहिए फिफ्थ का फर्स्ट? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया. क्लियर है? Okay, last question. Last question. The information in the passage suggests that a pre-1960s political historian would have been most likely to undertake which of the following studies? An analysis of voting trends among women voters of the 1920s, a study of male voters' gradual ideological shift from party politics to issue-oriented politics, a biography of an influential 19th century minister of foreign affairs. Yeh galat hai. An analysis of narratives written by previously unrecognized women activists. Ye bhi galat hai. Galat hai. Maine kaha tha, in some questions, elimination of the options would be the right idea. Aur mere khayal se ye bhi galat hai. So it should be one. Sixth ka one. Kyunki male voters ki study nahi ki gayi thi, female voters ki study ki gayi thi. What's it? Watch it. Clear? Yes. और नहीं, इसमें B भी हो सकता है, लेकिन B में male voters की बात की गई है. So, a study of male voters gradually ideological shift from party politics to issue-oriented politics. ये given तो है, लेकिन वहाँ पर वो female हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ, male voters नहीं है. A biography of an influential 19th century minister of foreign affairs, ये तो कहीं given ही नहीं है. या तो पॉला बेकर मिनिस्टर रही हूँ, हमें ना पता हो, तो जब पता ही नहीं तो आंसर कहाँ से देंगे. ठीक है. An analysis of narratives written by previously unrecognized women activists, ऐसा कुछ भी नहीं है. So, A is correct. वेरी गुड. ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही टाइप के आपके पास पैसेज आने के चांसेस हैं. क्लियर? अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. मजा आया? इंटरेस्टिंग था? वॉज दैट इंटरेस्टिंग? आज या कल में आ जानी चाहिए आईपी की रैंक? आज या कल में आ जाएगी आईपी की रैंक? हाँ, क्लास खत्म होने वाली है, बस हो चुकी हुई है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है. एनीथिंग टू आस्क? चलिए, आप बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लें. वैसे तो पहले से किया हुआ है, लेकिन आज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी खत्म हो गया. तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. एनी डाउट रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? चलिए, किसी को कुछ भी पूछना है? Anyone wants to ask anything? Anyone? मिल जाएगा अभी आपको, क्लास शेड्यूल मिल जाएगा. एक्चुअली आज काफी सारे लोग छुट्टी पर हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. हाँ, हो जाएगा बच्चे. मतलब वैसे भी बीएड में इस लेवल का नहीं आता, आप यकीन माने कि बीएड में इस लेवल का नहीं आता. मैं आपको भेज दूंगा आज कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. एक्चुअली आज छुट्टी पर है तो लोग भेज पाना मुश्किल है, कि दो तीन लोग छुट्टी पर है. So, इसलिए I'll try to do that. चलिए, अगर आपका कोई डाउट नहीं है so I can leave. हाँ, वो भी आते हैं इसमें, वोकैबुलरी में आता है, एंटोनिम सिनोनिम आता है, इसमें नहीं था, आता है वैसे. चलिए, कोई डाउट किसी का?
साइड हो गया, इसका आंसर कर देते हैं फर्स्ट वन, सिक्स का फर्स्ट वन, क्लियर? सो यू कैन कीप अ वॉच, यू कैन कीप अ वॉच. You can keep a watch. Passes, आपके बी एड में तो दो पैसेज आएंगे, बी एड में सिर्फ पैसेज ही आएगा और कुछ नहीं आएगा इंग्लिश में. चलिए एंड कर दो सर.